गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मन्नत वर्ल्ड। दिस इज मन्नत, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमेज़ॉन से ये चार कुर्तियों का हॉल। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी और ये मुझे आज रिसीव हुई हैं, तो मैं आपके साथ इनका रिव्यू शेयर करूँगी। जो मेरे पास फर्स्ट कुर्ती है, ये सारी कुर्तीज मैंने वामची कलेक्शन से ऑर्डर की थी। ये आप देख सकते हैं, इस कुर्ती की जो लेंथ है ये मुझे नी से नीचे तक आ रही है। एक्चुअली मेरी हाइट ना 5'1" है, तो मुझे उसके हिसाब से तो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ इसकी हाइट ये ऑलमोस्ट सबको ही आ जाएगी। इसकी लेंथ तो अच्छी है और इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आप जितनी बार भी इसको वॉश कर लेंगे उसके बाद भी इसका प्रिंट नहीं जाएगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसका कलर लगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कुर्ती तो मुझे बहुत पसंद आई, आई थिंक आप लोगों को लेनी भी चाहिए। और जो मुझे सबसे अच्छी लगी एक ये सेकंड कुर्ती, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रे और रेड के, रेड नहीं एक्चुअली थोड़ा सा मरून सा कलर है, रेड और मरून के कॉम्बिनेशन में है ये वाली। ये इसकी लेंथ स्लीव्स की भी एल्बो तक, एल्बो से थोड़ी सी नीचे ही है मेरे लिए। एक्चुअली मैंने अपने लिए मीडियम साइज ऑर्डर किया था, लेकिन ये ना मुझे थोड़ा सा बड़ा आ गया है साइज, तो इसको मैं ऑल्टर करा लूँगी, मैं चेंज नहीं कर रही इसको। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मुझे उस वाली कुर्ती से थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मेरे लिए। और इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक्चुअली ये जिससे मैंने वामसी कलेक्शन से ऑर्डर की थी, ये सारी कुर्ती मुझे ऑलमोस्ट 300 के अराउंड पड़ी है, 300-320 के। और इस टाइम पे अमेज़ॉन पे सेल है, ये आपको 300 से भी कम में मिलेंगी। और लेकिन इसका पे जो प्राइस पड़ा वो है 999, ये देख सकते हैं आप लोग 999। कपड़ा बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसका, लेंथ इसकी फुल है, देख लीजिए ये बहुत। और ये बैक साइड से पूरा ग्रे है, इसके साथ आप वाइट ब्लैक कोई भी कलर का प्लाजो कैरी कर सकते हैं, पैंट कैरी कर सकते हैं, लेगिंग कैरी कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत पसंद आई। तो थर्ड कुर्तीज, ये मैंने बहुत लोगों को एक्चुअली लेते हुए देखा था, इसके रिव्यूज बहुत अच्छे लगे थे मुझे। ये भी वामसी कलेक्शन से है, ये देखिए, ये येलो पिंक और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है कुर्ती। इसका भी फैब्रिक, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, ये देखिए, ब्लैक के साथ ही पिंक और येलो का जो कॉम्बिनेशन आया है बहुत ही अच्छा है। इसकी भी स्लीव्स की लेंथ एल्बो से नीचे तक है, ये देखिए। और इसका भी प्राइस मुझे वही मिला है 999, ये देखिए। ये साइज मुझे थोड़े से बड़े आ गए एक्चुअली, तो मैं आपको इसका जब ऑल्ट्रेशन हो जाएगा फिर मैं आपको इसका पहन के भी दिखाऊंगी रिव्यू करके। और ये बैक से पूरा ब्लैक है, इस पर आप पिंक कलर का प्लाजो अगर कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद आई। द फोर्थ वन इज ये कुर्ती, ये वाली देखिए, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन, इसकी स्लीव्स भी, इसकी भी लेंथ फुल है। ये लेंथ बाकी सब कुर्ते के अकॉर्डिंग ये वाली लेंथ थोड़ी सी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे ये कुर्ती थोड़ी सी कम पसंद आई, मुझे वैसे अच्छी लग रही थी। इसमें क्या है, ये छोटे छोटे से प्रिंट आ रहे, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छी फिनिशिंग नहीं दे रहा है, तो बस इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये कुर्ती मतलब ठीक है, अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी मुझे वो तीन लगी। ये तो ले सकते हैं वैसे आप ये भी। एक्चुअली मुझे इन कुर्तीज़ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, लेकिन मुझे एक चीज़ की लग रही है, इनका ये जो नेक है ये बोट नेक है एक्चुअली, लेकिन बोट नेक बहुत ज़्यादा ही छोटा है। एक्चुअली मैंने जो ये पहन रखी ये भी बोट नेक, ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी वामसी कलेक्शन से, ये वाली भी, तो इसका बोट नेक मुझे कंफर्टेबल लगता है। लेकिन इसका क्या है, ये ना ऐसे करके बैक आ रहा है ये बब, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सारी ही कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है सारी की सारी कुर्ती।
अगर आपको ये सारी कुर्ती चाहिए तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं इनको। थैंक यू।